नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं आज बात करूँगा MPPNST के बारे में। ठीक है, MPPNST 2024 की जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो कब से होगी और कैसे होगी, ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना है वो हम बात करेंगे, और पुराना रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा सब के बारे में आज बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी MPPNST के बारे में। तो MPPNST की कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल से क्या, आज शाम से ही, या कल से, ठीक है, आज शाम से 9 बजे से। चलिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम में ऐड होना चाहते हैं मैंने इसके नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है। जैसे इस वीडियो के नीचे जाओगे तो लिंक मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, या आप चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो हमें, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी भी बता देते हैं आपको, मनीष MANISHMUJA644, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके PNST के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपकी PNST का जो सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो 70,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करा था, 70 से 1 लाख हो गए थे लगभग, तो इनका भविष्य अंधकार में नहीं जाता है। आप समझते हो कि सर रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने से सबको दिक्कत होती है, एग्जामिनर ने सेंटर दिलाए थे, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो रिजल्ट आएगा आपके कब, इस महीने की एंडिंग में या अगले महीने, ठीक है। 100% है कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा, कि एग्जाम आपकी कैंसिल नहीं होगी, है ना। दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही थी कि जो कॉलेज थे ना, जो कॉलेज थे, जो फर्जी कॉलेज थे, उन्होंने बच्चों से फीस ले लेके और कॉलेज चले गए, मतलब कॉलेज को इन्होंने ये कर दिया, उसमें कोई दिक्कत हुई होगी, तो बहुत सारे फर्जी कॉलेज बन गए थे नर्सिंग के, इसलिए ये कोर्ट केस लगा है। इसके कारण ये कोर्ट केस जैसे कंप्लीट होता है तो सरकार क्या करेगी, जो कॉलेज बंद होने वाले हैं वो कॉलेज को पूरी तरह से बंद करेगी। उसके बाद जो सही सही कॉलेज है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं वो कॉलेज में पैसे ले लेते हैं ना, फिर कह देते हैं कि इसकी मान्यता तो रद्द हो गई, है ना। तो पहले सरकार क्या करेगी, जितने भी कॉलेज उन सब की जो मान्यता है वो रद्द करेगी, है ना, जो फर्जी कॉलेज है उन सबकी मान्यता रद्द करेगी, और जो मेन मेन कॉलेज है उनकी मान्यता रखेगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और आपके रिजल्ट कब आएगा सर, हम आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इस महीने की एंडिंग तक आएगा या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक, लेकिन आपका रिजल्ट अभी वाला जरूर आएगा, और आपकी काउंसलिंग भी होगी। तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद आपकी जो न्यू वैकेंसी जो आएगी वो आपकी वैकेंसी आएगी जनवरी 2024, ठीक है। तो आपको अभी से कितना टाइम मिल गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, 6 महीने मिले हैं आपके पास, कितने महीने, 6 मंथ हैं आपके पास। तो आपको अभी से क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे अभी से तैयारी करना है, ठीक है। कैसे तैयारी करना है वो भी बताऊँगा। आप अगर कोई नया है तो आपको 12th पास, दूसरा 17 से 28 वर्ष एज लिमिट, तीसरा 150 नंबर का पेपर, चौथा माइनस मार्किंग नहीं होती है, पांचवा साइंस स्टूडेंट, छठा गर्ल्स को ही मिलता है, सातवां ये 4 साल का पाठ्यक्रम होता है, इसमें 4 साल से ट्रेनिंग होती है एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। क्या क्या, ये आपको मोटी मोटी बातें याद रखना है कि 12th पास होना चाहिए, एज होना चाहिए 17 से 28 वर्ष, पेपर आता है 150 नंबर का, ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, और क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस और गर्ल्स होने चाहिए, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो जिन जिनका ये सब कंप्लीट है वो MPPNST में फॉर्म भर सकते हैं, और MPPNST 2024 में वापस से आने वाली, हर साल आती है, तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका
बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, 1 2 3 4 5, 30 30 नंबर के 5 आते हैं। ठीक है, अभी 400 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, है ना। इन सब के फ़ोटो हम आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट कॉलेज मिलने के बाद। ठीक है, तो अभी आप है ना घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं है, है ना। जो पढ़ने वाले हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी की बुक मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला था कि मैंने सभी को प्रोवाइड कर दी जिनके पास नहीं है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम में डाल दी थी, व्हाट्सएप पे डाल दी थी, जिन्होंने भी मैसेज किया था। ठीक है, जिनके पास अभी भी नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना कि सर हमें 11th की एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको 11th की एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। उसको आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, उस पहले चैप्टर में आप जो पढ़ते जाओ, जो जो मेन मेन लगे उसको एक कॉपी और एक पेन लाना है, उसमें लिखते जाना है। ठीक है सर, ये ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप 11th कंप्लीट कर लोगे एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और जो डेली फ्री क्लासेस चल रही उसके प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप जो बाद में तैयारी करेंगे ना उनसे कहीं आगे निकल जाओगे, क्योंकि बूंद 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 से ही आपका घड़ा भरेगा। तो आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। अभी से आप अच्छे से तैयारी करो, कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप किताब ले आओ मार्केट से, नहीं, किताब भी लाना, नया एडिशन आएगा उस टाइम पे नई किताब लाएंगे, है ना। किताब लाने की भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग करो, कुछ नहीं, आपको एक पैसा नहीं लगाना। आप घर बैठे पीएनएसटी निकाल सकते हो, है ना। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता है, वो कितना भी घुमा कर देता है तो एनसीईआरटी से ही देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आए और आपका अगर मन करे तो आप कोचिंग कर लेना, है ना। अभी तो आप घर बैठे पढ़ो, क्योंकि अभी से आप कोचिंग भी करोगे तो एक 8 महीने तक कोचिंग तो जा नहीं पाओगे लगातार। कोचिंग जाते हैं फॉर्म भरने के 1 2 महीने के बाद, आपका मन हो तो। वो भी बहुत सारे, अभी बहुत सारे ने सेल्फ स्टडी करी और प्रैक्टिस क्वेश्चन करें और निकल गए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको एक पैसा नहीं लगाना है। आपको आराम से घर बैठे एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बाद में उसको रिविज़न करो, शानदार तैयारी होती है। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर से। हाँ, कल से मेरे क्लासेस स्टार्ट हो रही है, प्रैक्टिस क्लासेस, ये सारी फ्री क्लासेस रहेगी। मैं आपको कहीं भी पैसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको इतना पैसा लगेगा, सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं, है ना। जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी ऐड कर दीजिए। सर इससे क्या होगा, इससे आपको डेली हर चैप्टर की थ्योरी भी मिलेगी। यहाँ पर कल से थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, रोज़ प्रैक्टिस होते रहेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, तो कल सुबह आपको एक तो 9:30 बजे क्लास मिलेगी, एक आपको मिलेगी 3 बजे क्लास मिलेगी, एक आपको मिलेगी 5 बजे क्लास मिलेगी, एक सुबह शाम को 9 बजे मिलेगी और एक 9:30 बजे मिलेगी। ठीक है, 9:30 बजे बायोलॉजी जूलॉजी मिलेगी, 3 बजे आपको थ्योरी की क्लास मिलेगी, 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगी, 9 बजे मिक्स सारे सब्जेक्ट के साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और 9:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ठीक है, ये बायोलॉजी जूलॉजी, ये थ्योरी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ये साइंस के मिक्स क्वेश्चन और 9:30 बजे आपको इंग्लिश, ये सारे आपको फ्री में पढ़ाने। ठीक है, तो जिनको आना है ये टाइम नोट कर लेना और बिल्कुल आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। और कोई चाहता है कि सर हमें व्हाट्सअप पे ऐड करो तो व्हाट्सअप पे ऐड कर देंगे, कोई चाहता है कि टेलीग्राम में जाना है तो टेलीग्राम में चले जाना। ठीक है, चलिए, लेकिन पढ़ना आपको ही है। हम तो आपको रोज़ बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपका मन एक दिन होता है पढ़ने का, दूसरे दिन होता है, लेकिन अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा कल से ए एन एम की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी, आज से ANM की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। आज आपकी 12:30 बजे ANM की क्लास रहेगी और 9:00 बजे साइंस की क्लास रहेगी मिक्स। ठीक है, इसमें आता है MPGK और साइंस। देखो अब आप किस किस की तैयारी कर सकते हो ये भी बता दे सकता हूँ। आप MPPNS 12th पास हो आप सब,
साइंस सब्जेक्ट हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला आपके पास है MPPNST, सब में सेम सिलेबस है, ठीक है। दूसरा आप तैयारी कर सकते हो छत्तीसगढ़ BSC, अभी भी अभी रिजल्ट आया उसका, हर साल एग्ज़ाम होती है उसकी, ठीक है, टाइम टू टाइम रिजल्ट आता है सब। तो अभी फिर उसकी भी तैयारी चालू कर छत्तीसगढ़, ये जितने भी क्लास है ये किस किस में काम आएगी, MPPNST में, छत्तीसगढ़ BSC में, PVFT में, ANM में, सब में आपका सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। PVFT में इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश। ANM में MPG क्या आता है, छत्तीसगढ़ में भी यही सब्जेक्ट और MPPNST में भी, सब में सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप आराम से एक की जगह चार चार की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेंशन ना लें, सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम भी होगी, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।